लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप कैसे 15,000 रुपए की सैलरी से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कमा सकते हैं, एक्सेल खेलते हैं। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि आपकी महीने की तनख्वाह इन हैंड 15,000 रुपए है और उसमें से 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द 50-30-20 रूल, जहां 50% आप अपनी जरूरतें या अपनी नीड्स के लिए स्पेंड करेंगे, 30% अपनी इच्छाओं अपनी डिजायर्स के लिए स्पेंड करेंगे और 20% आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे। तो मतलब महीने का आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कहां इन्वेस्ट करना है कि किसी न किसी वक्त पे आपके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाए। ये भी चेक करना है कि उस 1 करोड़ के उस समय पे कितनी अहमियत होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे को जंग लगा देता है। तो हम ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले एफडी, मम्मी पापा का प्यार, इस पे ऑन अ 10-year एवरेज करीब 6% एफडी रिटर्न मिला है। फिर अगर आप रियल एस्टेट में देखेंगे तो करीब करीब 7%। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 5 years में 7.5% के करीब आपको एक रिटर्न मिला है। अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इंप्लॉय या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो मोटा मोटा 8.4% मिलता है। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो करीब 10.4% मिला है। गोल्ड ने पिछले 5-10 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी 50, भारत के टॉप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स, ये म्यूचुअल फंड है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे SIP तो 10.57 मोटा मोटा परसेंट। मिड कैप 100, भारत की मिड साइज्ड कंपनीज की टॉप 100 कंपनीज, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अराउंड 14.24%। एंड स्मॉल कैप 250, मतलब भारत की जो स्मॉल साइज कंपनीज है उसकी टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो 18.1% का रिटर्न। एंड फिर सवाल ये उठता है कि आप अपने ये 3,000 रुपए किस एलोकेशन में स्पेंड करेंगे। And we'll go through different permutations, combinations to give you an idea. Now, one mistake that you shouldn't make is, यार अंकुर, बात करने का फायदा है क्या है? 18% सबसे ज्यादा लग रहा है, तो सब कुछ small cap में ही डाल दो? नहीं, because this is also in increasing order of risk. तो अगर आप सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देंगे तो वो एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज छोटे साइज की हैं, स्टॉक मार्केट है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। And it is possible that you may not be able to bear the volatility या the ups and downs of that. At the other end, अगर आप पूरा का पूरा पैसा FD में डाल देंगे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, एक तरीके से सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने का, तो आपको वो सेफ्टी तो मिल जाएगी लेकिन वो रिटर्न नहीं मिलेगा। So you have to in some way balance it out so that you have a good share of safety as well as रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर सवाल यह है कि कितने वक्त में हम 1 करोड़ रुपए तक पहुंच पाएंगे। अब इसमें 2 assumptions। नंबर 1, कि आप इस सेविंग को कैसे हर साल बढ़ाएंगे। अगर यही सेविंग पर रहेंगे दोस्त 3,000 की, तो फिर तो जायज नहीं है, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी, 15,000 से बढ़ती रहेगी जितनी भी बढ़े, लेकिन आपको फाइट मार के अपनी सेविंग्स या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी हर साल बढ़ाना है। आई अज्यूम कि आप हर साल 10% अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, मतलब इस साल 12 महीने तक आप 3,000 रुपए हर महीना डालेंगे SIP, अगले साल 3,300 रुपए, सो यू विल इंक्रीज इट बाय 10%, उसके अगले साल 330 रुपए और जोड़ देंगे तो 3,630 रुपए, एंड ऐसे ऐसे करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक ग्रोथ देंगे। प्लस हमने ये भी अज्यूम किया कि इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5% रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की असली हैसियत असली औकात पता करनी है। करोड़ तो पोर्टफोलियो में दिख जाएंगे, लेकिन उस करोड़ से हम क्या खरीद पाएंगे वो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट नीड्स टू बी जस्ट एज बिग एन अमाउंट एज वी नीड इट टू बी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्ज करिए आप अपना पूरा का पूरा पैसा पहले FD में डाल देते हैं, ये सबसे सेफ रहेगा, राइट? तो कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जैसे कि जैसे वो 3,000 रुपए आए महीने के, FD कर दी, जिंदगी भर खुश रहे। लेट्स सी हाउ दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्चुअल मनी। 10 साल बाद आपकी तनख्वाह by this saving increment will be approximately 35,000 rupees a month. तो 15,000 रुपए से आप बढ़ के 10 साल बाद 35,000 पे चले जाएंगे। इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन let's assume कि यही चल रहा है। And your total investments will only be worth 7.5 lakh rupees. 10 साल invest करने के बाद आप सिर्फ 7.5 lakh रुपए के portfolio पे बैठे होंगे और inflation के चलते उसकी actual value सिर्फ 4,60,000 रुपए होगी। This is why I don't like FDs. FDs आपके पैसे को ग्रो करने के लिए नहीं है, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्लीज बेवकूफी करके अपने पैसे को बढ़ाने के लिए FD में मत डालिए, क्योंकि उससे नहीं बढ़ते हैं दोस्त। आप
5% इन्फ्लेशन पे बैठे हैं, 6% एफडी कमाएंगे, उस 6% एफडी पे जितना इंटरेस्ट होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे दोस्त। आप 4,60,000 रुपए की वैल्यू पे बैठे होंगे 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद, 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद वही करीब 12.5 लाख रुपए होगा असली औकात के हिसाब से। बैंक में 33 लाख रुपए दिख रहे होंगे लेकिन उसकी हैसियत जो होगी वो सिर्फ 12.5 लाख रुपए। 30 साल बाद वो 1 करोड़ जाके पहुंचेगा, 30 साल बाद, एंड तब भी उसकी वैल्यू सिर्फ 25 लाख रुपए होगी। Why would you make that mistake? And still people do. चलिए FD नहीं करते, हम पूरा का पूरा पैसा गोल्ड में डाल देते हैं क्योंकि मम्मी बोलती है गोल्ड सबसे बेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। 10 साल बाद आपके पास 9.5 लाख रुपए होंगे एंड उसकी हैसियत होगी करीब 5,70,000 रुपए। 20 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए होंगे, नॉट बैड, लेकिन उसकी औकात होगी करीब 19 लाख रुपए। 30 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे, इट्स नॉट अ बैड नंबर एट ऑल, इनफैक्ट आप 25 साल पे 1 करोड़ का नंबर हिट कर जाएंगे, मुबारक हो, लेकिन 25 साल में उस 1 करोड़ की अहमियत होगी सिर्फ 30 लाख रुपए एंड 30 साल में उस 2 करोड़ की अहमियत होगी सिर्फ 47 लाख रुपीज। अगेन नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। देन लेट्स सी, आप बोलते हैं यार सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेते, निफ्टी 50 में डालते हैं क्योंकि निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, तो पूरे के पूरे 3,000 रुपए हम एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में डालते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ठीक है। यू विल सी रेट ऑफ रिटर्न में ज्यादा अंतर नहीं है, 10.41, 10.57, तो गोल्ड और निफ्टी 50 मोटा मोटा एटलीस्ट लास्ट 5 साल के एवरेज के हिसाब से सेम चल रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। 25 साल में आप अपने 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच जाएंगे एंड उस पॉइंट पे उसकी हैसियत होगी करीब 31 लाख रुपए, विच इज काइंड ऑफ गुड, नॉट सो गुड, वी'ल सी। आप बोलते हैं चलिए यार इसको भी थोड़ा ना फिर रिस्क थोड़ा डाल लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, तो 50 निफ्टी 50 में और 50% हम मिड कैप 100 में डालेंगे, तो 1500 रुपए महीना हम निफ्टी 50 में, 1500 रुपए महीना हम मिड कैप 100 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालेंगे। नाउ थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग, आप 25 साल में 1,40,00,000 पे बैठे होंगे जिसकी हैसियत उस समय पे 40 लाख रुपए होगी, इट्स नॉट बैड, और रियल मनी टर्म्स में आप 1 करोड़ का हिट करेंगे 35 साल बाद जब आपके पास बैंक में 6,20,00,000 रुपए होंगे लेकिन उसकी औकात आज के पैसे के हिसाब से 1,12,00,000 रुपए होगी। फिर आप बोलते हैं यार ये भी इतना मजेदार नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना आपकी ना मेरी, 1/3 निफ्टी 50, 1/3 मिड कैप, 1/3 स्मॉल कैप, ठीक है, लेट्स सी हाउ दैट गोस। और यहां 34% हमने स्मॉल कैप में डाल दिए, तो अब देखते हैं क्या होता है, एंड दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप सडनली 25 साल में जहां 1 करोड़ पे बैठे थे 2 करोड़ पे बैठे हैं, इनफैक्ट आप 20 साल की उम्र में ही करीब करोड़ तक पहुंच गए होंगे, 82 लाख itself, एंड उसकी वैल्यू उस समय पे 31 लाख रुपए होगी। आप 25 साल बाद 2 करोड़ पे बैठे होंगे जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपए होगी, नॉट बैड एट ऑल, एंड नाउ थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। सो यू आर लाइक यार ये गेम अब धीरे धीरे समझ में आने लग गई है, लेट्स ट्राई एंड प्ले अराउंड विद दिस टू सी व्हाट वी कैन डू। सो जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न लेना है, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, अगर लेना भी है तो लंबे समय तक वो रिस्क लेने के लिए अगर हम तैयार होंगे तो बढ़िया रहेगा, एंड रिटर्न भी चाहिए हमें। इनफैक्ट आई शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, लुक एट दिस ग्राफ, सिंपल ग्राफ, पावरफुल ग्राफ। वो ये बोलता है कि अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी 50 हाँ भारत की टॉप 50 कंपनीज में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न -20% भी जा सकता है। मतलब हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 ने भी 1 साल के अंदर अंदर -20% रिटर्न दिए हुए हैं, मतलब सारी कंपनियों की फट गई। एवरेज रिटर्न करीब 13% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स 25% है, एंड प्रोबेबिलिटी कि आपके रिटर्न 8% से ज्यादा होंगे वो 50%, मतलब अभी भी थोड़े सट्टे की गेम लग रही है।
कि यार 50% प्रोबेबिलिटी है कि 8% ज्यादा, 8% से ज्यादा तो मोटा मोटा अभी FD भी दे देगी, तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे वर्स्ट रिटर्न्स -2%। सडनली द वर्स्ट रिटर्न्स हैव बिकम मच लोअर। आपके एवरेज रिटर्न्स अभी भी 13% पे हैं। आपकी नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी घट के सिर्फ 15% हो गई है एंड आपकी अबव 8% की प्रोबेबिलिटी बढ़कर 75% बन चुकी है। यही चीज अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, योर वर्स्ट रिटर्न्स विल बी 5%। आपकी नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 0% हो गई है, मतलब ओवर अ 5 ईयर पीरियड निफ्टी 50 नेगेटिव रिटर्न्स देगा कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देगा। इनफैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव 8% रिटर्न 90% है दोस्त। एंड नाउ सी हाउ द गेम चेंजेस। 10 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका वर्स्ट रिटर्न 6% आएगा, जो कि FD का रिटर्न है। आपके नेगेटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी 0 हो चुकी है। एवरेज रिटर्न 12% है एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, अबव 8% की प्रोबेबिलिटी 100% है। मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 में करें, मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स गो टू 0 एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स अबव अ सर्टेन नंबर, जो इस केस में 8% है, गो टू ऑलमोस्ट 100%। एंड दैट टेल्स यू कि अगर आप लंबी रेस खेलने के लिए तैयार हो तो आप गारंटीड करोड़पति बनेंगे। लेकिन लंबी रेस खेलनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। तो मैं आपके लिए एक पोर्टफोलियो सजेस्ट करता हूं एंड वो पोर्टफोलियो होगा कि आप अपना महीने का जो भी SIP है उसका 10% डालेंगे निफ्टी 50 में, तो आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करें पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से। फिर अगला 20% आप डालेंगे मिड कैप में, तो आप मिड साइज कंपनीज की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। एंड आप बाकी का 70% डालेंगे स्मॉल कैप में। दिस विल गिव यू एन एवरेज रिटर्न ऑफ 16.58%। एंड लगता है कि यार 16.58% से क्या ही उखाड़ लेंगे। लेट्स सी, आप 20 साल के अंदर ही करोड़पति बन जाएंगे। इन जस्ट 20 ईयर्स 15,000 की सैलरी के साथ आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे बैठे होंगे, जिसकी औकात उस समय पे 40 लाख रुपए होंगे। आप 25 साल पे 2,60,00,000 पे बैठे होंगे। आप 30 साल पे 6,70,00,000 पे बैठे होंगे, जिसकी औकात उस समय पे 1.5 करोड़ रुपए होगी। विच मीन्स आप सिर्फ 30 साल के अंदर 1.5 करोड़, आज के 1.5 करोड़ पे बैठे होंगे। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करनी है 15,000 रुपए महीना तनख्वाह एंड 3,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से। उस 30 साल के पॉइंट पे आपकी महीने की तनख्वाह करीब 2,30,000 होगी। एंड आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो दिमाग खराब वाली बातें कर रहा है, ये एकदम एक्सेल शीट पे तो सब कुछ बन जाता है। 30 साल के बाद मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं आपकी ये तनख्वाह होगी। एंड मिलेंगे 30 साल बाद। मैं तो शायद वीडियो बना ही रहूंगा, आपको अगर याद रहेगा तो मुझे एक बार बता देना कि हाँ यार अंकुर, आपने 2023 में बोला तो था कि 15,000 की सैलरी पे अगर आप 30 साल तक काम करते रहेंगे तो आपके महीने की तनख्वाह 30 साल बाद 2,30,000 होगी। एंड मेरे पास वो 1.5 करोड़ है। मेरे पास बैंक में 6,70,00,000 रुपए दिख रहे हैं एंड मुझे पता है कि उसकी हैसियत करीब 1.5 करोड़ है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। एंड ये आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी। 15,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 25,000 हो, आप इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। ग्रीन सेल्स जो भी हैं सारी वो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि यार मैं 15,000 की सैलरी के साथ 30% डालने के लिए तैयार हूं, मतलब 4,500 डालने के लिए तैयार हूं, एंड लुक एट व्हाट हैपेंस, 20 साल के अंदर ही आप 1.5 करोड़ रुपए पे बैठे होंगे, सिर्फ 20 साल के अंदर। And that will be equal to 60 lakhs of today's money. And this is the power of it. This is how you change your life. Simple, disciplined, long-term investing. I hope this helped. Ankur Bariku,
साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना, बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। एंड गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।